तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में सॉन्ग जो कि काफ़ी बड़ा ब्लॉकबस्टर हो चुका है और गाना 3 से 4 दिनों तक ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन उस गाने के सुपरहिट होने के बाद गुड न्यूज़ फिल्म का दूसरा गाना आज हो चुका है रिलीज। और जितना ज़बरदस्त गाना चंडीगढ़ में था उससे डबल या यूँ कहे उससे ट्रिपल बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना है सोदा खरा खरा। जी हाँ दोस्तों, सोदा खरा खरा सॉन्ग जो कि गुड न्यूज़ मूवी का सेकंड शो रिलीज हुआ है और इस सॉन्ग को गाया है सुखबीर सिंह ने, जो कि ओरिजिनल वाले गाने को भी गा चुके हैं। साथ ही साथ इस गाने में उनका साथ दिया है दिलजीत दोसांझ ने। दोस्तों, गाने की शुरुआत होती है दिलजीत दोसांझ से, जहां पे वो गाने को गा भी रहे और धमाकेदार तरीके से डांस भी कर रहे हैं। गाने को आधा संभाला है दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी ने। और दोस्तों, इस गाने की जान है अक्षय कुमार। जी हां दोस्तों, गाने की शुरुआत जब होती है दिलजीत दोसांझ, किसी की कमी नहीं महसूस होने देते कि यार अक्षय कुमार आधा गाना होने के बाद भी क्यों नहीं आए। लेकिन दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की जो सिंगिंग है और जो उनके डांस के लटके झटके, वही गाने को पूरी तरह से संभाल के रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कियारा आडवाणी भी क्या गजब की लग रही है सॉन्ग में। लेकिन उसके बाद में एंट्री होती है सुखबीर सिंह की, जो कि इस गाने के ओरिजिनल सिंगर है। उन्होंने आके सोदा खरा खरा लाइन गाई, उसके बाद तो समझो कि गाने में 4 चांद लग गए। लेकिन दोस्तों, अभी एंट्री होना बाकी थी हमारे खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार सर की। और दोस्तों, अक्षय कुमार सर आते ही पूरे गाने में धूम मचा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार इस गाने में फुल मस्ती मूड में, मतलब कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन कमाल के हैं। तो दोस्तों, जो गाना है टोटली ब्लॉकबस्टर है, मतलब कि फिल्म के 2 गाने रिलीज हुए, पहला गाना सुपर डुपर हिट, दूसरा गाना तो मतलब इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर, रिलीज होते ही ये गाना ट्रेंडिंग में जाने वाला है। तो दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर सुपर हिट हुआ, पहला गाना ब्लॉकबस्टर, दूसरा गाना भी ब्लॉकबस्टर। अब दोस्तों बात करें गाने की खास चीज़ की, तो दोस्तों गाने की खास चीज़ है इस गाने के लिरिक्स, मतलब साफ सुथरे लिरिक्स और फिल्म की थीम को पूरी तरह से परफेक्ट जस्टिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, भले गाना रीमेक है लेकिन गाने के अंदर जो म्यूजिक है वो पूरी तरह से फ्रेश है और काफी परफेक्ट लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के रीमेक गाने अगर बनते हैं तो शायद ही किसी को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आजकल बॉलीवुड में जितने फिल्मों के रीमेक गाने आते हैं पुराने गानों का कबाड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो पुराना वाला गाना था वो तो बढ़िया था, लेकिन जो रीमेक गाना है वो उससे भी एक कदम आगे चले गया और उससे भी कहीं बेटर है। तो दोस्तों, फिल्म के दोनों गाने सुपर हिट, फिल्म का ट्रेलर सुपर डुपर हिट, फिल्म का बस काफी शानदार बना है। तो बस अब इंतजार है 27 दिसंबर का, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, दिन पे दिन जिस तरह से इस फिल्म का बस बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि अक्षय कुमार इस साल जिस तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते गए, यानी कि केसरी का रिकॉर्ड तोड़ा मिशन मंगल ने, मिशन मंगल का रिकॉर्ड तोड़ा हाउसफुल 4 ने, तो अब यूं लग रहा है कि हाउसफुल 4 का रिकॉर्ड तोड़ेगी गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल 4 का रिकॉर्ड अगर गुड न्यूज तोड़ देती है तो ये पहली बार ऐसा बॉलीवुड में होगा जब एक ही सुपरस्टार की फिल्म में 4 आई एक साल में और सभी फिल्मों ने पिछली फिल्मों से ज्यादा की कमाई की। तो अब देखते हैं दोस्तों, क्या गुड न्यूज हाउसफुल 4 का रिकॉर्ड तोड़ पाने में कामयाब होती है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या गुड न्यूज फिल्म हाउसफुल 4 का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहेगी या नहीं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना भी ना भूले। इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।